प्रश्नावली 5.3 चल रही है अपनी। कहाँ तक पढ़ चुके? 8 तक। अब हमारे सारे क्वेश्चन 8 तक हो गए हैं। 8 तक तो किसी को समस्या नहीं है ना? ओके, अब पढ़ेंगे हम नवा क्वेश्चन नंबर 9। किसको आ गया क्वेश्चन नंबर 9? वेरी गुड, किस्मत ने कर लिया, कृष्णा ने कर लिया और सुगना ने भी कर लिया, बहुत अच्छा। देखो इन बच्चियों ने इसका मतलब प्रयास किया है घर पर जाकर, और प्रयास किया है तो निश्चित रूप से आया है। अब बहुत से बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया होगा तो फिर नहीं आया होगा, है ना। चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ध्यान से समझ लेना अच्छे से। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, रिपीट कर रहा हूं, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। अब हमें किसी एपी का 7वां पद दे रखा है या 7 पदों का योग दे रखा है? जोर से बोलो, 7 पदों का योग दे रखा है। मतलब एस कितना दे रखा है? 49। एस 49 दे रखा है। 7 पदों का योग का मतलब एस 7 हो गया ना। तो हम यहां लिख लेंगे, सबसे पहले तो हमारा दिया हुआ है, दिया हुआ 7 पदों का योग मतलब एस 7 है वो 49 दे रखा है, ठीक है ना, यही है ना। आगे पढ़ो, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 7 पदों का योग तो 49 हो गया, और 1 से लेके 17 तक के पदों का योग कितना है? 289। तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको थोड़ा सा हल कर लो, आ जाओ। क्या फॉर्मूला होता है एसएन का? हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन बराबर होता है एन बटे, बोले हो, ये होता है। अब देखो एन की जगह कितना आ रहा है? 7। तो यहाँ कितना लिख दूँ? 7 बटा 2 ब्रेकिट 2 ए प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 49। इस वाले फॉर्मूले को एस 7 को हमने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि एस एन को ये लिखते हैं। अब देखो 7 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, नहीं। तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। कितना है? 2 ए प्लस का 6 डी बराबर 49 इंटू 2 बटे 7। जो 2 नीचे था भाग में वो आ गया गुणा में, और जो गुणा में था 7 पूरे ब्रैकेट के गुणा में वो भाग में आ गया, आ गया ना। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? निकाल लो, कितना कॉमन आएगा? 2 कॉमन निकाल दिया तो a प्लस का 3d बराबर 49 इंटू 2 बटे 7। अब यहां आप 2 से 2 काट दो। देखो ये जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट के बाहर है, और ये 2 है वो भी ऊपर की संख्याओं के गुणा में है, और किसी में होते भाग में, सॉरी प्लस में या माइनस में तो नहीं कटता। ये 2 इधर गुणा में, ये 2 इधर गुणा में, तो कट सकता है, या फिर यहां नहीं काटो तो इसको नीचे ले आओ आप। ये गुणा में तो इधर किस में आएगा? भाग में। तो भाग में आएगा तो 7 से गुणा में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही काट देता हूँ मैं, खेल खत्म, ठीक है। अब क्या बचा? a प्लस का 3d बराबर 49 बटे 7। अब इसको भी काट लो, 7 7 49, तो a प्लस का 3d बराबर कितना आ गया? इसको समीकरण नंबर 1 कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। n का मान यहाँ से, क्योंकि s n, तो n का मान यहाँ से कितना है? 7। उस 7 को मैंने फॉर्मूले में रख दिया और हल कर लिया। हल करने से हम यहाँ पर पहुँच गए। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है?
प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है, ये प्रथम 7 पदों का था। अब 1 से लेकर 17 पदों तक का योग मतलब जोड़ आपको 289 दे दिया, इनका मान कितना है? 17। अब दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ मैं मान। एन बटा दो मतलब 17/2 ब्रेकेट 2a प्लस का एन मतलब 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। अब मेरे हिसाब से 17 का वर्ग ही 289 होता है, होता है क्या? गुणा करके देख लो, चलो अभी रहने दो। 17/2 इंटू दो, 17/2 इंटू दो, ये दो कहाँ से लाऊंगा? कॉमन निकालूंगा, इधर से कॉमन निकालूंगा ना, तो देखो कितना बचा, 2a में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा? a प्लस का यहाँ कितना बचेगा? 16d, 16 में से 2 कॉमन निकाल लिया, 8d बराबर 289, 2 से 2 घट गया तो क्या बचा? 8d बराबर 17। अब भाग लगाओ, देखो 17 एकम 17 है ना, कितना बचा? 11 और 17 7 17 6 102 17 7 119, तो कट गया, तो a प्लस का 8d बराबर कितना आ गया भाई? 17। इसको मान लो समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुकी है, ये भी a और d के रूप में है, ये भी a और d के रूप में। अब इन दोनों समीकरण से किसी एक का मान हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कैसे? समीकरण 1 में से 2 को घटा लो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से a और d में से एक चीज गायब हो जाएगी, ठीक है ना? तो देखो a क्या है, a प्लस का 3d बराबर 7 और 2 क्या है? 17। अब घटा रहा हूं मैं तो ये, अभी ये प्लस का है, माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो a माइनस a प्लस खत्म, 8d अब माइनस का हो गया है, इसका पुराना चिन्ह क्या था? अब माइनस हो गया तो 3d में से 8d जाएगा तो कितना? 17 भी माइनस का हो गया, 7 में से 17 गए तो माइनस के, d बराबर -10/-5, माइनस से माइनस और 5 × 2 = 10, तो d का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया, d का मान 2 आ गया ना। अब d का मान किसी भी एक में रख लो, d बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो 3 × 2 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6 = 1, तो a बराबर कितना आ गया? 1। 3 × 2 = 6 को उधर भेज दिया। अब हमारे पास देखो d है, a है, क्या पूछ रहा है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो देखो प्रथम n पदों का योग, इसको 3 दे दो आप, इसको 3 दे दिया, समीकरण नंबर 3 दे दो, या फिर मत दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 और 2 हमने यहाँ दे दिया ना, तो या तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 और इसको 3, तो इसको रहने दो, मत दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले वाली को 3 नहीं दे सकते ना, बाद वाली को देंगे 3, तो है ना, ये तो पहले आ रही। अब n का मान, n पदों का योग पूछ रहा है ये, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, अतः n पदों का योग, अब n पदों का योग किससे लिखते हैं भाई? एस एन से, n पदों का योग समांतर श्रेणी में n पदों का योग एस एन से लिखते हैं, और एस एन का मान ये रहा, तो n का मान तो दे नहीं रखा, तो n बाई 2 ही हो जाएगा, ब्रेकेट 2 इंटू a का मान कितना है? 1, प्लस का n का मान नहीं दे रखा, तो n माइनस 1 इंटू d, डी कितना है? 2 है, ठीक है ना। अब n पदों का योग पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में a और d का मान हमने रख दिया, तो देखो क्या आया है, n बाई 2 2 एकम 2 प्लस का 2n माइनस का 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्यों कटेगा?
एक प्लस का और एक माइनस का इंटू टू एन, फिर दो से दो कट गया तो क्या बचा, एन स्क्वायर। एस एन बराबर क्या आया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर होता है, टू एन मत कर देना, वो जोड़ने पर टू एन होता है, यहाँ क्या क्या है इंटू, तो एस एन बराबर एन स्क्वायर, यानी इस श्रेणी का जिसमें ए और डी का मान ये है, एन पदों का योग एन स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से, ओके ठीक है, उतार लो, थैंक यू।